हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग एवरीवन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं मतलब पता नहीं कितने दिनों बाद ये शब्द बोल रहा हूँ कि हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। काफ़ी दिन का ब्रेक हो गया बीच में, एक मिनट। हाँ, काफ़ी दिन का ब्रेक हो गया बीच में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने कल इंस्टा पे पोस्ट डाला था, इंस्टा व्हाट्सएप जितना भी मेरा है सोशल मीडिया उस पर डाल दिया था। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा। और यहाँ पे जो है मौसम कुछ ऐसा सा है। खैर, ये तो मैं अब आप बोलोगे कि हर हर व्लॉग में मतलब बारिश की बातें करता रहता है या फिर कभी कुछ करता रहता है, कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली मेरा भी रीज़न यही था, मेरे पास कुछ ज़्यादा था नहीं व्लॉग करने को, इसलिए मैं मतलब आपको क्या ही दिखाता, क्या ही बात करता, इसलिए मैं थोड़ा चुप हो गया था 2-3 हफ्ते के लिए। बट ना, अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब फिर से व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक नया बंदा अपने व्लॉग में आने वाला है, अपने घर में आने वाला है। वो है अपना दोस्त अखिलेश शेट्टी, जो मेरा रूममेट है। और अभी मैं मतलब थोड़ी देर में ही वो आएगा, फिर आपसे मिलवाता हूँ। पहले तो मेरे को रेडी होना है, घर वर साफ़ करना। और क्योंकि उसको मतलब होम क्वारंटीन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो चंडीगढ़ से आ रहा है, तो मेरे को पहले तो घर साफ़ करना होगा। उसके लिए एक रूम अलग से मतलब सारे एसेंशियल जो उसकी चीज़ें होंगी उसके साथ रखना होगा। और बाकी देखते क्या होता है। और शायद हमारे आज ध्रुव जो मेरा दोस्त है डीडी, वो भी आने वाला है, तो देखते क्या सीन चलते हैं। तो बस जब वो आता है तो उसको मिलाते हैं आपसे। उससे पहले मेरे को थोड़ा नहावा लेता हूँ और कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, कुछ करते हैं। ओके, सो जो मैंने पहले अभी बोला था कि जो भी सीन हो रहा है घर पे, लोग आने वाले हैं, लोग नहीं जो यहाँ रहते वही आने वाले। तो आओ मेरे साथ, तुमको पहले तो यहाँ पे आओ, ये जूम करो थोड़ा सा। हाँ, बढ़िया दिख रहा है ये बंदा। ये नो एंट्री कास्ट से लेके आए हम। कौन है कौन हो आप? डीडी शाह। मेरा नाम है डीडी शाह, ध्रुव दीपेश शाह। ग्रैंडसन ऑफ देवचंद जेठालाल। ये तो हमें भी फर्स्ट टाइम पता लगा। सेकंड वो आए हैं, उनसे भी परिचय। वो 20 साल को हो गया, वो भी उस पे आते हो। टैटू है ना, ये सबको लगता है अगर आप प्लेन में आते हो तो। बोलो कुछ, क्या 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 देखो, क्या फील हो रहा है इतने दिनों बाद इस पे आके? साफ फील हो रहा है। स्पिरिचुअली तो वैसे भी हम साफ ही है, कष्ट नहीं। और ये क्या है, पिंक मास्क? ये मेरे राहुल के लिए गिफ्ट लाया है। इसको हम मुंह पे पहन सकते हैं, एयर होस्टेस की तरह। ठीक है, बराबर आ रहा है? नहीं, ठीक है, चलो। अखिलेश तेरे को कैसा लग रहा है? अभी लगना आया नहीं है, एडिटर को नहीं है। एडिटर कौन? नहीं, तू ही एडिटर। नहीं, चल ठीक है, ड्राइव करके जा रहा हूँ ना मैं तेरे को। अच्छा, हाँ, देवचंद। देवचंद के बारे में और तो बता थोड़ा सा। ब्रो, देवचंद बहुत बड़ा इंसान है ब्रो, वो दिन में आता है समझ में नहीं। क्यों? तेरा एक पे डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हूँ मैं, पता है? देवचंद पे? हाँ, तू प्रोड्यूस करने वाला। चलो ठीक है, डायरेक्ट मेरे पापा करेंगे। मैं जोक मारूं लोग हंसे ना, मैं हंसते तो वो हंसी सिंपैथी से आती है। जो क्या है बेचारा हंसते हुए, जो लोग मेरा व्लॉग देख के ऐसा उनको लग रहा है हम कोरोना में बाहर जा रहे हैं। हेलो, बस वो कुचल देगा ब्रो, कुचल देगा ब्रो, कुचल देगा ब्रो। देवचंद का जो लेटेस्ट सक्सेसर है उसको कल ड्रॉप करने जा रहे हैं, क्योंकि बस वो है सोल बच्चा। देवचंद के जो लेटेस्ट सक्सेसर है उनका कुछ मानना है, वो सुनो आप। लेटेस्ट सक्सेसर नहीं है, बहुत पीछे है हम थ्रोन लाइन में तो। नहीं, वो जो तूने बात बोली थी कि क्या है वो अभी जो बोल रहा था तू, बारिश और आता नहीं है ऐसा कुछ, क्या तो बोला था ना तूने? आता नहीं है। हाँ, मैं सक्सेसिव लाइन में आता नहीं हूँ, सक्सेसर लाइन में। अगर आता होता तो क्या होता?
आता होता तो भाई अपन यहाँ पे नहीं बैठे होते। कहाँ बैठे होते? मतलब तू वहाँ पे नहीं बैठा होता, तू BMW में चला रहा होता, मैं यहाँ पर कोई नहीं, तो सबका दिन आएगा। इसके बाद भाई मांगेंगे कि ये टीटी इंस्टाग्राम पे है नहीं क्या? नहीं। तो ये जो आजकल का सीन चल रहा है, क्या सीन चल रहा था? नेपोटिज्म वाला। तो हमारे जो पीछे सक्सेसर साहब बैठे हैं, स्टार किड भी हैं, ये दोनों कैटेगरी में आते हैं। तो बोलो कुछ कि अभी नहीं बोला है? अभी नहीं, अपन नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, अभी तू गाड़ी पे ध्यान दे। ठीक है। तो जो जो लोग मतलब अभी से मेरे को पता है इसके बहुत फैन हो गए होंगे, तो वो फॉलो करते रहे। अगर ये वीडियो पे 50 लाइक्स है ना, 50, केवल 50 तो मैं बता दूंगा। तो अगर आपको जाना है फंडा खोल, भाई मैं फंडा खोल दूंगा, पूरा पूरा इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको पूरे इंडस्ट्री का। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरा बोल दूंगा। तो अगर पचास सिर्फ 50 लाइक चाहिए हमें, 50 लाइक इस वीडियो पे मिल गए तो क्या होगा, ये पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देगा और सब बता देगा। एक लोग होते हैं गरीब, फिर होते हैं अमीर। मैं तो ऐसा मानता नहीं उस सब में, पर जो उनसे भी अमीर होते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि शक्ल क्या बता रहा है भाई, मेरे को दिख रहा है तू। तो अभी हम एंटर करने वाले हैं वो वाली जगह, यहाँ पर रास्ता बस यही आपको छोटा सा ही दिखेगा, क्योंकि ज्यादा लोग आते नहीं, अमीर लोग यहीं कम बहुत ज्यादा। हम आने देते नहीं है भाई, कोरोना वोरोना का टाइम है, किसी को अच्छा। आने नहीं देने का, घर में नहीं आने देने का, खाना भी मत खाओ, कोरोना है। यहाँ सामने से अभी आप जो भी देख रहे हो ना, सब देवचंद। तो और यहाँ पे 15-20 साल पहले क्या था यहाँ पे? यहाँ पर पूरा जंगल था भाई। जंगल था? नहीं जंगल था तो तुमने क्या उखाड़ा उसमें से? अरे भाई उखाड़ा क्या, जिंदगी दी भाई लोगों को, घर बनाए, काम चालू किया, फैक्ट्री चालू की। क्या बात, ये सामने सामने जितना भी तेरे को दूर दूर तक जितना भी दिख रहा है ना, जितना भी दिख रहा है, कैमरा घुमा भाई, कैमरा घुमा, देख जहाँ तक दिख रहा है सब देवचंद जेठालाल सेठ, एवरीथिंग और राइट लेफ्ट। ठीक है सर, वेट। एक्चुअली उनका नाम है देवचंद जेठालाल सेठ। खाना पाना खाने पर खाना पीने का देख लेना तू, ठीक है? चलो बाय।